बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो हाजिर हूँ ताजमहल की एक ऐसी रहस्यमय खबर लेकर जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे चमत्कार भरे पड़े हैं जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। ऐसे ही एक रहस्य है ताजमहल के तहखानों का रहस्य। यह एक रहस्य है जिसको सबको बताने से सरकार भी डरती है। आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के उस दरवाजे के बारे में जिसे खोलने से शायद सरकार भी डरती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था। चार साल 1653 में यह बनकर तैयार हुआ। आज भी ताजमहल का निर्माण कुशलता का एक बेमिसाल नमूना कहा जाता है। शोधनकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों से भी अधिक कमरे मौजूद हैं। उनका मानना यह भी है कि ताजमहल जितना ऊपर है उतना ही धरती के नीचे बनाया गया है। उस समय कोई भी किला बनाया जाता था तो बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था। ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे भी एक रास्ता है जो कहीं दूर बाहर निकलता है, लेकिन उन तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया है। शोधनकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के अंदर इन कमरों को बनवाने के पश्चात इन्हें ईंटों से ढक दिया गया था। ऐसा हक केवल सरकार के पास ही है। शायद उन दरवाजों के पीछे कोई ऐसा बड़ा खजाना हो सकता है। पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि उन दरवाजों के पीछे ऐतिहासिक दरवाजे भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को शायद बदल सकते हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।